जी मैं मौजूद हूँ सैयद नूरी बास बुखारी साहब के साथ, ये सीईओ है एग्रीबाइट के। जी सर मुझे बताइए क्या कैसे देख रहे हैं, हाउ इज दिस फेस्टिवल और क्या विजन्स हैं फॉर फ्यूचर, व्हाट एट ऑल अबाउट? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेला इट्स लाइक गुड, अच्छा है क्योंकि मैं अभी क्योंकि मैं बिजनेस मैन और मेरा खुद पीछे बैकग्राउंड फिनटेक से और टेक्नोलॉजी से था। फिर मेरे पार्टनर डॉक्टर इफ्तिखार साहब के साथ मिलके हमने ये विजन था हमारा कि टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किया जाए एग्रीकल्चर में और वो किस तरह उसको रिफॉर्म करे, ठीक है। और ये हमारे हैदरवान साहब भी हैं, हमारे यहाँ के रीजन के मैनेजर हैं। तो मेन विजन अब जैसे अगर जैतून का देखें तो 2025 में देर इज़ अ $10.8 billion इंडस्ट्री वुड बी ऑलिव, न्यू इमर्जिंग इंडस्ट्री, ठीक है। अब वे वी स्टैंड, मैं सबसे यही क्वेश्चन करता हूँ कि वे वी स्टैंड $10.8 billion, मतलब हम मिलियंस में भी नहीं है शायद, तो हमें वर्किंग करनी है। तो दैट्स वाई वी केम इन टू द पिक्चर, हमने हमारा विजन है कि स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट्स फार्मर्स को लगा के दें, इसकी ब्रांडिंग करें, जैसे मेरी अपनी स्पेशलिटी है ब्रांडिंग मार्केटिंग इंटरनेशनल, आई एम अ कंसल्टेंट, तो उन सबको सारे एंगल्स को मिला के वर्टिकल्स को मिला के एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया जाए कि इसको एग्रीकल्चर का कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे ऑलिव है, चाहे मैंगो है, चाहे सिट्रस है, वॉट एवर, उसको एटलीस्ट वो आपकी डॉक्यूमेंटेड जब होगी तो वो रिवॉल्व होगी, रिफ्लेक्ट होगी आपके GDP में, और देन फिर आपका वो कहते हैं कि एक्सपोर्ट जब होगी तो आपके डॉलर बेटर गुड बेटर फॉर गुड। तो यही है कि इकॉनमी को बूस्ट करना है, दैट्स व्हाई मतलब मैं पाकिस्तान इसलिए वापस आया था। तो बाकी ये कि आप लोगों की दुआएं और आप लोगों का साथ चाहिए, अल्लाह आप लोगों को और आपके इस प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह कामयाब करे। थैंक यू। बस जाते जाते एक पैगाम दे दें हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू किसानों को, किसान भाइयों के, कि वो क्या ऐसी चीज़ें करें, वो क्या ऐसे इकदाम लें कि जिनकी वजह से एज अ होल नेशन प्रोग्रेस करें। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि तवक्कुल उस पर रखो, ठीक है, चाहे वो हमारा किसान भाई है, मुझे पता है जिस तरह मेहनत करता है, मैं खुद आई बिलोंग्स टू फ्यूडल फैमिली, हमारे भी लैंड्स हैं और मैंने देखा है वहाँ फार्मर्स किस तरह काम करते हैं चार पाँच महीने और सो हाउ, लेकिन वो जो है ना आपकी मेहनत को कभी रायगा नहीं होने देगा। तो खुदा पे भरोसा रखें, नीयत साफ रखें, इंटेंशंस आपकी प्योर होनी चाहिए, ठीक है। जितनी आपकी इंटेंशंस प्योर होंगी आपका काम आसान होगा। मैं हमेशा एंड में वो बोलता हूँ कि अल्लामा इकबाल का जो शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। थैंक यू सर फॉर योर टाइम।